जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूज़, क्या हाल हैं भाई? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का बहुत ही एहसान है, तो इंशाल्लाह मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप भी सब मेरे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं और लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और भाई सबसे बढ़कर ये कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को दूसरे दोस्तों तक बहम पहुंचाते हैं। तो थैंक यू एक बार फिर आप सब दोस्तों का। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल मुझसे ये लोग कहते थे कि भाई हाफिज़ साहब आप हमें ये बताएं कि आप जो थे, जो गए थे यूरोप, किस तरह गए थे, रास्ते में आपको किस तरह की परेशानियाँ आई थी और कौन सी मुश्किल जो थी उनका आपने सामना किया था, और सबसे बढ़कर ये कि हमें बताएं कि आपका टोटल ख़र्चा कितना हो गया था और आपने कहाँ पे किस तरह पैसे दिए। तो मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सा वाला, आपको पता है भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पाकिस्तान से लेकर मुख्तलफ, मतलब कि आप स्पेन कर लें तो वहाँ तक का ख़र्चा कितना आता है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट्स में बताऊँगा, तो कि कितने पार्ट्स जो है ना वो इसके बनते हैं, देखते हैं अब वो साथ साथ जो है ना वो देखेंगे कि कितना हमारा ख़र्चा आया है, और अगर हम इलीगल तरीके से जाते हैं तो इस पे हमारा कितना ख़र्चा आता है, और अगर हम लीगल तरीके से जो है वो वीज़ा लगवा के जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए वो कितनी सहूलियात हैं और कितने जो हैं वो हमको मतलब के इजी जो है वो हमारा वीज़ा लग सकता है। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि इस पे टोटल ख़र्चा कितना आता है लीगल तरीके पे और इलीगल तरीके पे। तो मेरी वीडियो को जो है वो आपने सारी देखना है, मुकम्मल देखना है, मिस कहीं से भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने मिस की तो आपको समझ नहीं लगेगी। जिस तरह कहते हैं कि मैथ का जो है वो एक जो है वो इलामत उसका जो जमा को नफी में कर दें तो सारा सवाल गलत हो जाता है, इसी तरह अगर आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया तो मेरे भाई आपको वीडियो जो है वो समझने में मुश्किल पेश आएगी, आपको समझ नहीं आएगी, तो आप फिर मुझसे फ़ोन पर पूछेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो व्हाट्सअप पर, ईमो पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर मुझे पूछते हैं कि भाई आप हमें ये बता दें, वो बता दें, मैं सर्बिया से आना चाहता हूँ, मैं इंडिया का हूँ, इंडिया से भी लोग फॉलो करते हैं और मुझे वो पूछते हैं, और अफगानिस्तान से भी पूछते हैं, बांग्लादेश से भी पूछते हैं, सऊदीया से काले आती हैं भाई, इस तरह के काफ़ी जो हैं वो जगह हैं, अफगानिस्तान से आती हैं और बांग्लादेश से भाई रब्ता करते हैं, और सऊदी अरेबिया से, दुबई से, वेस्ट इंडीज़ से, मतलब कि जहाँ तक मुझे दोस्त देख रहे हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वो सब मुझे पूछते हैं कुछ कि भाई हमें प्लीज़ आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल आप लफ्ज़ बाई लफ्ज़ बिल्कुल सच बताते हैं, तो हमें फ़लाँ मालूम दे दें। एक इंडिया का दोस्त था वो मुझे कह रहा था कि भाई हमारा सर्बियन अराइवल वीज़ा है तो प्लीज़ मुझे बता दें कि क्या मैं सर्बिया से जो है वो किस तरह जा सकता हूँ, मैं सर्बिया से ग्रीस में आऊँ या मैं सर्बिया से जो है वो कहीं इटली में चला जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे इस बारे में गाइड कर दें और कितना इस पर ख़र्चा आएगा। मतलब जी फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ आपको बताने से पहले मैं अपने जो केपीके पे से मेरे दोस्त हैं हमदुल्ला खान और इमदादुल्ला खान और पांच छह भाई हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं, तो उनके लिए वो कह रहे थे कि हमें उर्दू में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, तो मैं उनके लिए जो है ना, वो मेरे दोस्त हैं तो अभी उनके लिए जो है ना उनको, तो जी भाई जान आप अपने हमारे जो केपीके से दोस्त हैं उनको बताएं ज़रा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر جوړ دې، خیر ارم شروع جوړ بوي او داس موږ ملګری دې حافظ عبداللہ د سره چې کوم دي کانال لکه ایتالیا کې تاسو کوم سفر مشکل لري بل سی حساب کانال لکه معلومات غواړي کانال هغه ټول معلومات به دا تاسو درکوي او ویډیو کوشش کوي چې شیر کوي او لکوي ما سیدا کانال ان شاء الله نور کس مشکل تاسو په ایتالیا کې دغه کانال تشي باندې کې معلومات غواړي د نور سره دغه کې تاسو سره مشکلات دي کانال دا حافظ عبداللہ دغه دې کنه د تاسو معلومات درکې صحیح ده کنه او ځای بده در دوست دغه کې خبرې صحیح ده کنه اور بھائی ته یہ بھی احساس میں کہ یہ بھی کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے بھائی آپ دو نمبر طریقے سے آنے کی بجائے کوشش کریں کہ آپ بائی ایئر ٹکٹ لیں اور بائی ایئر جو ہے وہ یورپ کا ویزا اصل کریں اسٹڈی پہ ملتا ہے وزٹ ویزا بھی ملتا ہے تو ایک تو اس میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور دوسرا اس میں کیا ہوگا کہ آپ آسانی سے آ جائیں گے یہ ہمارے ان بھائی کا حکم دے کھانا ہوئے وہ چیتا حکم لگا دا کچا کلیرو باندھ رہا ہے وہ دینا داخلہ تاسو پجاس کے راشے
فجاز کې راشه او دیو مشکلات درته نه وي او بل سکول دغه لغمان دی راشه ویزې باندې یو به مشکلات درته نه وي او بل برته اسانی او بل دا خرچ هم په کمه راځي عام چې د کچاکي راځي نن سبا لس دولس لکه روپۍ ټالی ته راځي خرچه کیږي او کوم چل چې بایلي راځي کنه نو یو نیم لک روپۍ هم راځي دوه لک هم راځي یا بیا تا پورې تعلق پورې لکه کم بیسي ته راشي کنه بهیر ډېر اثار سره راځي جهاز کې چې راځي جی فرینڈز تو یہ میرے جو کبھی کے سے دوست تھے خاص طور پہ میں نے اب ان کے لیے کیا ہے تو ابھی افریقہ کے دوست ہیں تو انگلش یار میری تھوڑی سی کمزور ہی ہے تو میں نے اپنے ایک ہمارے کینیڈا سے بھائی ادھر ہیں ہمارے پاس تو ان سے میں نے ٹائم بنایا ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے تو جی چلیں ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکسپینسز کے بارے میں تو لیٹس گو اینڈ
खर्चा जो था वो मेरे पास 200 यूरो था, तो 34,400 ये हो जी। तो आगे फ्रांस और पुर्तगाल, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इसको देखते हैं कि ये सारा जो है, ये टोटल हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो